न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका। सरायकेला के मृतक के परिजनों ने टीएमएच अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दो बाइकों की आपस में टकराने से आदित्यपुर निवासी बिपुल घायल हो गया था, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामले को शांत कराया। अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज का बड़ा ब्रेन हेमरेज हुआ। मैंने बोला ब्रेन हेमरेज हुआ, ठीक है, फिर कॉलर नहीं पकड़ा। उनको आपने सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, कुछ किया? डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहा है। ये विष्णुपुर में हुआ कहीं सर, वो हमें भी अभी ठीक से नहीं, मैं सुना और भाव को गया, मैं हॉस्पिटल आ गया, ठीक है। जब मैं हॉस्पिटल आया इमरजेंसी में, बोले कि मैं विपुल कुमार पूछा काउंटर, बोले कि अंदर जाइए। मैं अंदर आया काउंटर, काउंटर के पास पूछे, हाँ ये विपुल कुमार, आप कौन है? मैंने बोला मैं उनका चाचा हूँ। बोले ये है, देखे हम पेशेंट को। डॉक्टर बोले कहाँ है? डॉक्टर नहीं थे, 10 मिनट के बाद वो डॉक्टर। जबकि और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। जी नवीन, सरायकेला से दो बाइक के आपस में टकराने की घटना सामने आ रही है, क्या कुछ है पूरा मामला? मामला था कि बीते शाम को हमारे सरायकेला जिला के आदिपुर एरिया के विपुल प्रसाद नाम के युवक बिष्टुपुर कुछ काम से जा रहे थे, तो बिष्टुपुर में एक और अन्य बाइक के साथ उनकी टक्कर हो गई। आनंद फान में स्थानीय लोगों ने टीएमएच हॉस्पिटल रेफर किया, जहां परिवार वालों का कहना है वहां उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। वहां परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई है, अगर डॉक्टर सही से उनको देखते तो शायद वे बच सकते थे। जी नवीन, अब परिजनों की क्या मांग है, क्या कुछ कहना है परिजनों का? परिजनों का कहना है कि अगर डॉक्टर सही से देखते तो हम लोग पैसा खर्चा करने के लिए पूरा तैयार थे, पर डॉक्टर को उन्होंने डॉक्टर ने मैंने उन्हें देखा नहीं सही समय पे, देखने में उन्हें लेट कर दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नवीन, अस्पताल पदाधिकारियों का क्या कहना है इसमें? पदाधिकारी अभी किसी बात को कुछ कहने से अभी बच रहे हैं, वो कैमरे से अभी मुंह छिपा रहे अभी। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नीसन न्यूज़। नमस्कार।